हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं मुथूट फाइनेंस के, उसके बारे में सारी कुछ हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो इसने 59% के शानदार प्रॉफिट दर्ज किए हैं। अगर हम बात करेंगे इसके कितना प्रॉफिट हुआ है तो मुथूट फाइनेंस रिपोर्टेड अ 52% इंक्रीज इन इट्स क्वार्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट ₹858 करोड़ कम्पेयर टू 563 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो इसी साल के क्वार्टर में अभी जो आया है 858 आया अगेंस्ट 563 जो पिछले साल था, और जो प्रॉफिट हुआ है 59% का हुआ है वो है 841 करोड़। तो आप देख सकते हैं शानदार प्रॉफिट्स दर्ज किए हैं मुथूट फाइनेंस ने, और एकदम आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा होगा अभी भी जो बाइंग लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं, बहुत ही शानदार हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स की, देखिए इसके जो फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो मार्केट कैप 48,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, और ये लीडिंग सबसे वर्ल्ड में इसका नाम आता है गोल्ड लोन देने में, गोल्ड के इसमें सबसे बादशाह है ये वर्ल्ड में भी। अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही लीडर मार्केट लीडर है। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 29 की, और आपको मिल रहा है ये 16 की पी पे सस्ता मिल रहा है। अगर हम डिविडेंड डील की बात करेंगे तो वो भी शानदार है, 1.23 की डिविडेंड डील देता है, बहुत ही शानदार। अगर हम बात करेंगे इसके वन मंथ के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए वन मंथ में क्या हुआ, वन मंथ में ये एक लार्ज कैप कंपनी सबसे पहले बता दूँ, और लो रिस्क फैक्टर है बिल्कुल। वन मंथ में देखिए इसने जो हाई बनाया था 1405 का बनाया था, 1405 का हाई बनाया था, लो बनाया था 1091 का बनाया था, 9% के रिटर्न जनरेट किए। अभी आपको ये 1200 के आसपास 1230 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा होगा। अगर हम इसके हाई की बात करेंगे तो वन ईयर का हाई है वही 1405 और लो बनाया था 476। ये देखिए लो और हाई में कितना कंपैरिजन है, और 102 के शानदार रिटर्न्स दिए हैं एक साल में, ये आपका पैसा दुगना कर दिया इसने। अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो लगातार इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा होगा, और 2020 में तो कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट भी और फाइनेंशियल ट्रेंड भी। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम लाजवाब है, प्रमोटर्स के पास जितनी होल्डिंग्स होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, 73-74%, FIIs के पास 14-15%, बाकी देखिए अदर्स के पास बहुत कम स्टैक हैं, लेकिन FIIs और म्यूचुअल फंड्स इससे ये स्ट्रॉन्ग बहुत इस शेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। अगर हम बात करेंगे चेकलिस्ट की तो सारी देखिए आपको ग्रीन में दिख रहे होंगे, आप इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पाएंगे इसको, रिटर्न अच्छे मिलेंगे आपको, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट अभी बहुत शानदार है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो, और ASM GSM से बाहर है। अगर हम बात करेंगे आज के दिन की डिलीवरी से, उतनी खासी नहीं है, 18% की मास्टर डिलीवरीज हुई हैं, ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रही हैं, 25 के नीचे अपन बेकार डिलीवरीज मानते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की, तो देखिए चार्ट पैटर्न में आपको ये दिख रहा होगा कि पहले ये कुछ टाइम से 20 डे मूविंग एवरेज, जो येलो लाइन आपको दिख रही होगी ये 20 डे मूविंग एवरेज है, इसको टच करते हुए ये चल रहा था, फिर उसने इसके बाद एक न्यूज़ आई थी जो 90% RBI ने कर दिया था गोल्ड लोन के अगेंस्ट, तो अदर बैंक्स को था, इनको इनके लिए नहीं था, ये NBFCs के लिए नहीं था, तो उसके बाद देखिए इसने ये मूविंग एवरेज को अपनी तोड़ा था, और उसके बाद 50 डे ये ग्रीन लाइन है जो 50 डे की मूविंग एवरेज पे जाके इसने अपने आप को बॉटम बनाया और उसके बाद से फिर भाग गया, और फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पे ये 20 डे मूविंग एवरेज के पास गया एक्सपोनेंशियली नॉर्मल वाली, और फिर वहाँ से रिटर्न हुआ है। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें अच्छा, लोग सोच रहे थे कि कैंडल अब ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन नहीं, आज नेगेटिव कैंडल बनाई है, तो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है इसमें, क्योंकि जो स्टॉक भाग जाते हैं ज़्यादा तो वो कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढ लेते हैं नीचे आने का। तो देखिए अभी आपको MACD भी सेल सिग्नल यहाँ पे दिया था MACD ने, उसके बाद थोड़ा सा लग रहा था कि अभी क्रॉस करेगा, लेकिन नहीं, नेगेटिव कैंडल बना दी तो ये फिर से बेरिश हो गया है। अगर हमारे RSI की बात करेंगे तो RSI भी जो इसका ग्राफ बना है वो नेगेटिव है नीचे की तरफ, ये देखिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउनवर्ड हो रहा है, ऐसे ही MACD भी ऊपर जाने की जगह अब धीरे पैरेलल हो गया है। तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ लेवल्स मैं नज़र बताऊंगा, ये लेवल्स देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम है, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है ये, यहाँ से ये हर बार रिटर्न हो जाता है, तो इस लेवल्स पे अगर आएगा 1100 के आसपास तो आपको बाय करना है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे बाय कीजिए, देखिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं और दूसरी बाइंग फिर आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, इसके
10,000 के आसपास और 1100 के आसपास। 1100 के आसपास आप करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए करिए, और 1000 के पास आप अगर डिप आती है तो उसमें आप और ज़्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन आने की उम्मीद नहीं है। ये इसका बहुत ही शानदार और स्ट्रांग लेवल है, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, तो ये लेवल्स टूटना मेरे को लगता नहीं है कि इतनी आसानी से टूटेंगे। अगर टूटेंगे भी तो 1000 से नीचे फिर ये नहीं जाएगा। तो आप एक लेवल है 1100 के आसपास, एक लेवल है 1000 के आसपास, यहाँ पर बाइंग कीजिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देगा ये लॉन्ग टर्म में, क्योंकि गोल्ड लोन में इसका नाम बहुत ऊपर है। मन्नापुरम की बात करेंगे तो उतना फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है जितना मुथूट फाइनेंस के हैं, तो आप बेशक इसमें निवेश कर सकते हैं, और गिरावट में जो स्टॉक मिलेगा उनको लेना है। ऐसा नहीं कि आप, ये बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड का अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे ले लें, यहाँ पे लेंगे तो हो सकता है ये आपको गिरावट झेलनी पड़े, फिर आपको वेट करना पड़े यहाँ आने का, लेकिन आपको कभी भी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे नहीं लेना है जब तक आपको एकदम स्ट्रांग सिग्नल ना मिले। अगर ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड में मिल रहा है तब आपको लेना। बॉलिंजर बैंड क्या होता है तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में ये डला हुआ है इसका लिंक, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको बाद में भी लास्ट में एंड में इसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। बॉलिंजर बैंड का ये अपर बैंड कहलाता है, ये लोअर बैंड कहलाता है, और ये 20 डे मूविंग एवरेज कहलाता है। इससे सारा कुछ डिसाइड होता है। एमएसईडी और आरएसआई को अपन देख के डिसाइड करते हैं कि कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है। तो अभी आपको गिरावट दिख रही है थोड़ा सा, ये वेट कीजिए, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड में ही खरीदना है आपको, भाग्य स्टॉक्स को नहीं खरीदना है बिल्कुल। आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह बना सकते हैं, बहुत ही शानदार स्टॉक है। ये रहे हमारे टारगेट्स और लेबल्स, आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।